फॉर अवेकनिंग एंड अंजलि गार्डन्स में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है ईश्वर के, गॉड के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। सो हम यहाँ पे देखेंगे, द फर्स्ट कार्ड इज बोल्ड, सेकेंड कार्ड इज प्रोस्पेरिटी, थर्ड कार्ड इज ट्रू लव एंड फोर्थ कार्ड इज इनर गॉडेस। सो यहाँ पर जो है, जो आपके लिए मैसेजेस है वो ये है कि आपको ना बोल्ड बनना है। आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में जो है अपनी बातों को नहीं कह पाते हो, अपनी बातों को कहने से डरते हो, या आपको लगता है कि मैं कुछ भी बोलूँगी तो वो, या बोलूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे, तो क्या कहेंगे, या मैं ऐसे चीज़ें करूँगी या ऐसे कपड़े पहनूंगी तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, तो या मैं ऐसे हेयर कलर करवा लूँगी या ऐसे बाल कटिंग करवा लूँगी तो लोग क्या बोलेंगे। आपको ना ऐसी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सो उसको साइड कीजिए। सो ऐसी चीज़ों को, ऐसी सोच को साइड कीजिए एंड इनके इस सोच को साइड रख करके आप अपनी खुशियों के बारे में सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। अपनी एडवेंचरस साइड को निकालिए एंड टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। आपको रिस्क लेना होगा, आपको डेयरिंग बनना होगा, आपको एक चांस लेना होगा, क्योंकि आप जो चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आपको करना। यहाँ पर जो है दोस्तों, ये आपको रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है। अपनी जरूरी नहीं कि ये सिर्फ या कह सकते हैं कि ये आपके पहनावा ओढ़ावा को लेकर की हो, आपकी ब्यूटी को लेकर की हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लाइफ में, जो कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। हम लोगों से डरते हैं या किसी से डरते हैं कि अगर हम ऐसा डिसीजन लेंगे तो हमारे फैमिली पे क्या असर होगा, या किस चीज़ पे कौन क्या कहेगा, मदर फादर क्या कहेंगे। तो आपको बोल्ड बनने की ज़रूरत है, अपनी बातों को सामने, अपने पेरेंट्स के सामने रखने की ज़रूरत है। और अगर आप कोई चीज़ अपने लाइफ में करना चाह रहे हो, अपने करियर में करना चाह रहे हो, या अपनी जिंदगी की एक नई दिशा देना चाह रहे हो, तो आपको वो करने की जरूरत है, आपको बात करने की जरूरत है, अपनी बातों को सामने रखने की लोगों के सामने जरूरत है। प्रोस्पेरिटी का कार्ड है यहाँ पे, और प्रोस्पेरिटी आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी आ रही है, धन आ रहा है, रुपया आ रहा है, पैसा आ रहा है, आप जो चाह रहे हैं वो सब कुछ आ रहा है। क्योंकि प्रोस्पेरिटी का मतलब ही है कि समृद्धि, सुख समृद्धि, जितनी भी चीजें सुख समृद्धि की चीजें हैं वो सब आपकी तरफ आ रहा है। और 11/11 पोर्टल भी खुलने वाला है, तो ये एनर्जीज तो आनी ही आनी है, और कलेक्टिव लेवल पे ही है, तो सभी की लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा अबेंडेंस आ रहा है यहाँ पर। और आपको ना बाहें फैला करके उस अबेंडेंस को स्वीकार करना है और ये कहना है यूनिवर्स से, अपने स्पिरिट गाइड से, यस आई एम रेडी टू रिसीव प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस इन माई लाइफ। आपको ये जरूर बोलना है, मैं तैयार हूँ यूनिवर्स के द्वारा दिए गए गिफ्ट को रिसीव करने के लिए। मैं तैयार हूँ हर अपने जीवन के सुख समृद्धि को अपने जीवन में लाने के लिए। इस तरह से आप बोल सकते हो। ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। यहाँ पे कितना जो ऐसा लग रहा है, बहुत लोग यहाँ पे सैड है अपने लव लाइफ को लेकर के, सैड ना हो। और मुझे लग रहा है यहाँ पे इनके हैंड में ना वो माला भी गया मैनिफेस्ट करने के लिए, मंत्र। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने रोमांटिक लव लाइफ को, लेकिन मैनिफेस्ट होने रहा, उदास बैठे हुए, लेकिन आपको ये एश्योरेंस दिया जा रहा है कि आपकी तरफ ट्रू लव आ रहा है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, आपकी लाइफ में जो है वो खुशियाँ आने वाली है, ट्रू लव आ रहा है। और हाँ, आपको मैनिफेस्टेशन करते रहना है। अगर आप ट्रू लव को लेकर के मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ कंटिन्यू इट एंड रोमांटिक स्टेरिंग इन योर हार्ट। आपके लाइफ में भी, आपके लव, मतलब कहते हैं ना कि आपके हार्ट में भी है ना लव को लेकर के एक डिज़ायर पैदा होगी, और यूनिवर्स जो है आपको एक बहुत ज़्यादा लव सेंड कर रहा है, जो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में जो है आपका पार्टनर आपको एक तरफ आ जाए, तो वो चीज़ें सच होने वाली है और वो आपके लाइफ में जो है वो आने वाली है। तो यहाँ पर ट्रू लव का कार्ड है। आई होप, कितना खूबसूरत कार्ड है, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, कितनी खूबसूरत है ये जो भी है। जुनेवेरी का कार्ड है, और यहाँ पर ये कितनी खूबसूरत है, कह सकते हैं हम इसे कि यस आई एम रेडी टू रिसीव इट। यहाँ पे है इनर गॉडेस का कार्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाए।
और उसके साथ अपने एनर्जी लेवल के फील्ड को बढ़ाया। यहाँ पे कह रहा है ना कि अपने आप को चेंज करें, मतलब अपने जो करना चाहते हैं वो करें। सो आप खुद को अवेकन करें, खुद को गॉडेस की तरह बनाएं, आप में अपनी क्वालिटी इन्हेंस करें। क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग देख करके कहे वाओ, इसमें जो क्वालिटी और किसी में नहीं, जस्ट वाओ। लेकिन लोगों के लिए ना करें, ये खुद के लिए करें। लोगों से वाव सुनने के लिए नहीं करना है, इसे हमें खुद के लिए भी करना है, खुद के लिए एंजॉय करना है। आप चाहें तो अपने कलर को हेयर कलर करवा लें, जो कि मेरी भी ड्रीम है, अभी मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ। तो आप लोग भी चाहते हैं तो अगर आप कोई ड्रेस खरीदना चाहते हैं ग्रीन कलर का तो वो खरीद लें। आप अगर चाहते हैं कि अपने हेयर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। आप अपने चाहते हैं लोग आप लोग को अप्रिसिएट करें, कुछ ऐसा काम करें तो बिल्कुल करें। आप आर्ट एंड क्राफ्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, वो ज़रूर कर सकते हैं। आप अपनी डिविनिटी को मेंटेन करें ना, दुनिया जाए कुछ भी करे, कुछ करे, आपको किसी और के लिए अपनी डिविनिटी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने इनर गॉडेस को आपको जगाना, अपनी ब्यूटी को जगाना, अपनी सेल्फ ब्यूटी पर वर्क करना, अपने कहते हैं ना कि मतलब अपनी पूरा का पूरा अपने एनर्जीज को जो है ना गॉडेस एनर्जीज में चेंज कर देना है। सो ऐसे आपके एंजल आपसे छा रहे हैं तो डिवाइन फेमिनाइन में आपको कन्वर्ट होना है। यहाँ पे जो कार्ड है आपको ये बोल रहा है कि आप तो फेमिनाइन एनर्जीज में हो तो अब आपको डिवाइन में कन्वर्ट होना है। चेंज योर ऑरा, चेंज योर एनर्जी और आपको इनर गॉडेस को जगाना है अपने अंदर, अपने ऑरा को चेंज कीजिए। तो ये थी रीडिंग दोस्तों, आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।